अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो प्यारियों की हाल है तुहाडा? उम्मीद है तुसीं ठीक होने। अज वीडियो एवं मोबाइल चला रहे थे, मेरे सामने मौलाना समर कादरी उन्हां दी एक वीडियो आ गई। वीडियो के बारे तो बाद च गल करदे आं। सब तो पहले तो जिन्हां दे बारे च वीडियो है उन्हां दे बारे च थोड़ी जी गल करांगे। वीडियो हैगी है जी उन्हां दी मौलाना तारक जमील साहब के बारे च। यह दो चार दिन पहले ही उन्हां दा बेटा जवान फौत हो गया। अल्लाह पाक उन्होंने सबर दवे ते उस बच्चे आखिर दियाँ मंजिलां जिहड़ियां आसान करे। मौलाना तारक जमील साहब सारी दुनिया नूं सबर दा सबक दिंदे सीगे, किसे नूं बुरा नहीं कहिंदे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा इम्तिहान लिया कि उन्होंने आप सबर च पाता कि दस मेरे बंदिया हुण सबर किवें करना। इम्तिहान भी उस बच्चे दे हुंदे आ जिहड़ा ना माँ प्यो दा प्यारा होवे। घर च तुसीं थोड़ा जिहा नोट करो कि अगर चार बच्चे है ना तो माँ प्यो मुड़ मुड़ के उस बच्चे नूं कम कहणगे जिहड़ा उन्होंने आखे लगता। ये नहीं होएगा कि जिहड़ा आखे नहीं लगता उहनूं कहणगे, उहनूं कहिंदे ही नहीं गे, उहनूं कहिंदे छड्डो इहनूं साइड ते कर दो। तो इस तरह ही मौलाना तारक जमील साहब माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्होंने लंबी जिंदगी ते सेहत दवे, किसी तारीफ के मुहताज नहीं है। लखां लोगों मुसलमान भी कर चुके आ, तो अल्लाह का पैगाम जिहड़ा दीन है उन भी उन्होंने तक पहुँचा रहे आ। उन्होंने कभी किसी नूं तोड़न की गल नहीं की, हमेशा ही वो एहो जी गल करते आ कि लोगों नूं जोड़न की। जाती तौर पर तुहानूं उन्हां नाल इख्तलाफात होणगे, मैनू भी होणगे, होणगे कि हैगे आ कुछ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिहड़ी उह गल करदे ना, गल उन्हां दी पायदार हुंदी आ, सुणन वाली हुंदी आ, ते उन्होंने कभी किसी नूं लड़ाउण वाली गल नहीं की। हमेशा हर बंदे नूं उन्होंने यही कहा कि मिल वरत के रहो, तो क्योंकि दीन इस्लाम जिहड़ा ना ये अमन दा दीन है, भाईचारे दा, ते जिद्दत पसंद। जिद्दत इस तों कि जो भी जदीद चीज़ आएगी ना, ये दीन अपनाउण दा कहिंदा, ये नहीं कहिंदा कि तुसीं जदीद चीज़ां नूं छड्ड दिओ, क्योंकि दीन ने सिखाया यही कुछ आ। अल्लाह पाक ने इस दीन दे उते अपने सारे नबियां दे जिहड़े आने वाले दरवाजे वो बंद कर दिते। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, तो उस तो बाद हुण अगर कोई आ भी रहा तो वह सिर्फ दीन की तबलीग करने वाले आ सकते, नबी कोई नहीं आना। इस दीन नूं अल्लाह ने मुकम्मल कर दिता। तो मौलवी समर कादरी वो मिंबरे रसूल ते बैठे आ, सामने अल्लाह दे रसूल दियां किताबां पईयां, लोगों नूं दीन दी तबलीग कर रहे। तो तबलीग किवें कर रहे? गालां कढ के। मिंबरे रसूल ते बैठे गालां कढ़ी जांदे आ। सियाणे कहिंदे आ जदों कोई भांडा तुसीं उल्टा करोगे ना, या उह भांडा ज़्यादा भर जाएगा, तो जे उहदे 'च पाणी आ तां पाणी बाहर निकलना, जे पाणी नहीं तां दुध नहीं निकलना पाणी दी जगह ते। यही हाल मौलवी साहब दा आ। मौलवी साहब दे अंदर जो कुछ हैगा उही बाहर आउंदा आ। ये नहीं कि मौलवी साहब के अंदर अगर गालां आ तो बाहर इन्हां ने दुध दियां नहरां कढ़नियां, नहीं। आ एक वीडियो तुहानूं सुणवांदा, वीडियो पहले सुन लो तो फिर ये बारे थोड़ी जी होर गल करते हैं। दौरे तालिब इल्म में था तो मैंने एक कमीना फिक्र, अवारा फिक्र मौलवी की तकरीर सुनी थी। उसको कई लोग बड़े शौक से सुनते हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मौलवी तारक होना था, समझ आ रही है? उसकी मैंने उस वक्त तकरीर सुनी थी और मेरे दिल में तब से उसकी नफरत है। मैं उन्हें बता रहा हूँ, हम ऐसे कमीने बंदे को बर्दाश्त नहीं करते। तू सब कर दो, लख बारी करो, लेकिन मुझे उम्मीद है जो मेरे मरकज में जमा पड़ते हैं उनकी अक्सरियत गैरतमंद लोगों की है। ये बेगैरत और कमजोर नहीं है। तुम वेख लिया तो हूँ वेख लो भी ये छोटी जा क्लिप से कोई 8-10 सेकंड का। जे इन्हां दी तुसीं पूरी तकरीर सुनो तो पूरी तकरीर च यही कुछ आ। ये कोई इस एक तरीके तकरीर च नहीं, तकरीबन हर जगह ही। वो लोग भी अगर सुनने वाले मौके के उत्ते वाह वाह कर जाते हैं, लेकिन उन्हां दी तसल्ली नहीं होंदी। समर साहब तुसीं लोगों नूं मुतमईन करो, गालां नाल नहीं दलील नाल करो, लोगों नूं दलील दिओ ताकि लोग तुहाडी गल ते अमल कर सकन। ये नहीं मौके पर आए तो चार इधरों गालां वाइया, चार इधरों गालां वाइया, तो चल भाई तुर पे मौलवी साहब, अपने पैसे खरे हो गए। मौलाना तारक जमील साहब ने बड़े लोगों को मुसलमान किया, दीन दे विच लैके आंदा, तो मौलवी साहब तुसीं की कीता? तुहाडे कोल तो फतवे लाने तो इलावा काम ही कोई नहीं। फतवा लाया तो मौलवी साहब नूं बाहर कढ़ता। मतलब जिहड़ा कोई बंदा अच्छा काम कर रहा, तुहाडी समझ नहीं आ रहा ना भी तुहाडी उहदी वजह नाल वैल्यू घट रही है, तो तुसीं उहते कोई फतवा लाना तो उहनूं परे कर देना। लोग मौके पर तो वाह वाह कर देंगे, लेकिन लोगों का दिमाग नहीं मुतमईन होंदा, लोग सवाल करते हैं।
वो सवाल तुहाडे तक डायरैक्ट नहीं पहुँचते लेकिन उन्होंने ज़हन च जरूर बैठ जाते हैं तो वो हमेशा लिए बैठ जाते हैं। पता नहीं किहड़े पासे तुसीं टुरे हो, मिंबरे रसूल ते बह के तुहानू ए गालां कढ़नियां जेब नहीं दिंदियां, इसलिए कोई ख्याल करिया करो। मौलाना तारक जमील नाल तुहानू कोई इख्तलाफ हैगा तो उन्होंने सामने जाके मिलो, ये कोई जरूरी तो नहीं कि तुसीं भी मौलवी तो वह मौलवी है, तुहाडा आपस च सत उन्नी ज़्यादा वैर चल रहा कि तुसीं एक दूसरे को वेखना ही नहीं गा, कोई उन्होंने मिलो जाके मिल के उन्होंने बह के अपने जिहड़े इख्तलाफात उन्होंने ठीक कर लो। लेकिन मौलवियों की दिहाड़ी लाई है कि एक मौलवी लभना चाहिए दूसरे के बारे गल्लां करने वाला, उहदे नाल नहीं जाके बैठना, अपने घर बैठे वीडियो बनाई जानियां गालां कढ़ी जानियां। हुण जिहड़े वो मौलवी साहब के सुनने वाले आ उन्होंने वो वीडियो वाह वाह करके सुनी जानी है तो कहना जी वाह साडे मौलवी साहब ने धूआं कढ़ता, वो धूआं की कढ़ दिता, दलील तो दिओ ना, दलील नहीं देनी बस अगले बंदे दी तो लानत करी जानी। वो जे तुसीं 100 बंदे नूं सुणांदे हो ना 100 दे विचों 35% बंदे जिहड़े शऊर रखण वाले उह तुहाडे वास्ते मुतनफर हो जांदे आ, तुसीं दुनिया 'च किहड़ा चेहरा विखा रहे हो दीन दा। मौलवियां उत्ते गल्लां करना साडा काम नहीं हैगा, लेकिन जदों इहो जी वीडियो आउंदी ना सामने तुहाडी तां साडा दिल दुखदा कि तुसीं इक दूसरे नूं गालां कढ़ी जांदे हो, लोकां नूं तुसीं की समझाउणा। साडे हुण निक्के मोटे मलाद ही होण ना महल्ले 'च ते उहदे 'च वी आ के मौलवियां ने यही काम करना हुंदा कि फलाना एवें तो फलाना एवें, जे वो सीधी गल करन ते वो लोगों से जोश ही नहीं आता, लोग मौके पर वाह वाह नहीं करते, पैसे नहीं छोड़ते, सीधी गल अगर सीधी दसा ना तो लोग पैसे नहीं देंगे, तो मौलाना साहब होनी तो पैसों से चलते हैं, जिन्ने पैसे आएंगे उन्ना ही जोश वधेगा। ये कह लो कि ये गाला भी पैसों ना कढ़ते हैं, जो ये एक बंदे मंदा बोलेंगे ना थल्यों उठ के मैं 5,000 का नोट देवगा तो इन्होंने वो मंदा होर बोलना शुरू कर देना, इन्होंने काम में पट के रखना। बाकी तुसी की कहंदे हो इस बारे च अपनी राय जरूर देना। मौलाना साहब दे नाल तुहानू तारिक जमील साहब नाल इख्तलाफात होणगे मैं मानदा, लेकिन इख्तलाफात दलील नाल ख़त्म करो, गाला कढ़ के नहीं। लोगों नूं दसो कि तुसी एक अच्छे मुआशरे नाल अच्छे दीन दे नाल तल्लक रखदे हो ताकि लोग तुहाडे मगर आउण, ना कि लोग तुहानू वेख के ना अखां बंद कर लैण। मैनू इजाज़त दिओ, अल्लाह हाफिज़।